हेलो, मैं अंदर सो रही थी तो मैंने सारा सामान अंदर ही रख दिया था। हेलो गाइस, भाई स्वागत है आपका वीडियो में। यार मैं यहाँ पे सो रही थी, अभी तो यहाँ पे कोई भी चटाई वटाई नहीं लगा हुआ है, बट अंकल जी ने चटाई अपना यहीं पे बिछाया था रात में सोने के लिए। और ये अंकल जी का बेटा है जो गोट वोट का काम करता है, तो मतलब यहाँ पे जो लड़के हैं वो बकरी देखते हैं, और जो बड़े आदमी हैं जो मतलब जो सीनियर मेंबर होता है फैमिली का वो फार्मिंग का काम करता है। तो अभी मैं अंकल के साथ फार्मिंग के लिए जा रही हूँ। यार ये पता नहीं क्या कर रही है, मैं तो अंकल के साथ फार्मिंग के लिए जा ही रही हूँ। आ आई थिंक पानी, ओ खाना। ओके भैया, यू नो इंग्लिश? यू नो इंग्लिश? ओह वाओ, योर नेम? या ओके। यार इन लोगों को ना ज़्यादा तो इंग्लिश नहीं आता है, बट क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, यूट्यूबर्स चाइनीज बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो भाई चाइनीज़ टूरिज्म का तो मैं अलग से आपको कहानी सुनाऊंगी। तो मतलब ये लोग थोड़ा बहुत वर्ड्स बोल लेते हैं इंग्लिश में, जैसे येस, हेलो, नो, और कुछ कुछ तो ज़्यादा बोल लेते हैं। जो यहाँ के लोकल लोग हैं जो गाइड का काम स्टार्ट कर दिए हैं अब टूरिस्ट के लिए, उन लोगों को तो प्रॉपर इंग्लिश आता है। मेरे रहते तो ये लोग देखो प्रॉपर जंगल में ही है ना। जब मैं रास्ते में कल आ भी रही थी तो मैंने देखा था, मतलब आप मैं पिछला वीडियो देखोगे तो आपको पता होगा कि वो लोग कैसे एक सांप को मार रहे थे। यहाँ पे सांप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब वेनमस स्नेक्स, ऐसे वाले स्नेक्स नहीं जो बस जहरीले ना हो, तो प्रॉब्लम तो है यहाँ पे। अंकल जी धीरे धीरे चल रहे हैं, बट लंबा पैर है इनका तो जल्दी पहुंच जा रहे हैं। आप देख रहे हो वहाँ पे फार्मिंग लैंड है, मैं दिखाती हूँ चल के, मैं अभी साथ में ही चल रही हूँ। मेरे को आंटी मिल गई जिनके घर में मैं रुकी थी। हेलो हेलो, शी इज़ ऑन लाइक मॉर्निंग। यार ये इन लोगों का छोटा सा घर है यहाँ पे भी, ये जो खेत का सामान है ना यहाँ पे लाके ये लोग रखते हैं। हाँ ये खेत का सामान यहाँ पे ये लोग खाने का, गन्ना होना। अरे यार मैं एक बात बताना भूल गई जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जब कल मैं आई यहाँ पे रात में तो आंटी ने ना मेरे को खाने के लिए गन्ना, मक्का और मक्के के साथ कुछ ये आटा टाइप था वो दिया। तो जिस बंदे के साथ मैं आई हूँ, जो मेरा ड्राइवर है जो यहाँ का लैंग्वेज जानता है, वो मेरे को बताया कि यहाँ के लोग यार मोस्टली वेजिटेरियन खाते हैं, मक्का सोरगम मोस्टली खाते हैं। वाओ, यही खाया था मैंने कल मेरे को। तो यार ये लोग वही खाते हैं, मतलब मीट वीट ये सब शादी में ही खाते हैं ये लोग। तो यार ये मेरा सामान कल, ये बैग मैंने आंटी के घर में ही छोड़ दिया था रात में जब मैं यहाँ पे लोकल क्लबिंग के लिए गई थी। तो यार मैं पूरा सामान लेके ही चल रही हूँ। आप देखो मेरा एक बैग, मेरा दूसरा बैग, मेरा पावर बैंक, शेड्स। एंड रात में जब मैं आंटी के यहाँ, मतलब मैं अंदर सो रही थी तो मैंने सारा सामान अंदर ही रख दिया था, बट जब सुबह सुबह मैं निकली थी एक बगल वाले गांव में विज़िट करने के लिए, तो आंटी अपने साथ ये सारा सामान लेकर आ गई थी ताकि चोरी ना हो सके, क्योंकि इन लोग के घर में ना लॉक वॉक का कॉन्सेप्ट है नहीं। ये यार ये गोट का स्किन है, देखो इस पर मैं बैठ रही हूँ, ठीक है। ऐसे तो मैं कहने के लिए वेजिटेरियन हूँ बट बैठ गई मैं। तो यार ये लोग अपना दिन का शुरुआत ऐसे ही करते हैं, सुबह उठ जाते हैं, ठीक है। अभी देखो सुबह के 7 बज रहे हैं, ठीक है,
और उठते हैं, उठ के ये लोग फ्रेश फ्रेश होते हैं ऐसे बाहर नेचर में, और फिर आ जाते हैं यहाँ पर कॉफ़ी। और मेरे को ये आंटी बहुत ज़्यादा पसंद है यार, कल इन्होंने मेरे को खाने के लिए दिया, आज मेरे को ये कॉफ़ी दे रही है। What? Ah, it's good. कॉफ़ी भी है ना, ये जो कॉफ़ी है, ये लोग कॉफ़ी बीन्स से नहीं बनाते हैं, जो कॉफ़ी बीन्स का कवर होता है उससे बनाते हैं। ये देखो ये जो कवर है उससे बनाते हैं। कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा क्यों, ठीक है, बट आई डोंट नो इफ़ यू गाइस नो कि कॉफ़ी का क्या स्टोरी है। मैंने एक वीडियो में और भी बताया था, बट कॉफ़ी का ओरिजिन इथियोपिया में हुआ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहले जिस बंदे ने इसको ढूंढा था वो बकरी चरा रहा था और फिर बकरी काफ़ी एनर्जेटिक हो गई थी, तो वो बंदा बोल रहा है कि यार ये तो मतलब पहले उसको बुरा चीज़ माना गया, मतलब काला जादू से रिलेट किया गया, फिर उसको अच्छा चीज़ माना गया। तो मेरे को लगता है कि ट्राइबल्स, दिस इज़ माई अजम्पशन, कि इनको लग रहा है कि जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी बीन्स बुरा है बट कॉफ़ी का शेल यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा अजम्पशन है, ठीक है, कि ये कॉफ़ी से शेल क्यों यूज़ कर रहे हैं। ये इनका फार्म है यार, ये सोरगम यूज़ करते हैं, ये सोरगम है, मेरे को लगा था ये मक्का है बट सोरगम बोलते हैं इसको। और पूरा ये काट वाट के निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे इनका अभी जो काम है वो यही है कि जो पक्षी है वो खाए ना इसको। मैंने तो बस आंटी को ही काम करते हुए देखा है यार यहाँ पे, अंकल तो बैठ के मस्त चिल ही मार रहे हैं हर टाइम। देखो तो आंटी ही काम कर रही है, और इनके तो सात बच्चे हैं और सातों के सातों निकल चुके हैं। पता नहीं आंटी का एज ज़्यादा लग नहीं रहा है, बट स्किन विन बहुत ही अच्छा है यार, और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली। नहीं है हा? हा? रेड रेड है, सोरगम सूखने के लिए मस्त पेड़ के नीचे बैठ के चिल मारो, कॉफी पियो और चिल मारो। यार ये लोग टोबैको यहाँ पे बहुत यूज करता है, वीड नहीं यूज करता है बट टोबैको बहुत यूज करता है, और खाता नहीं है, सूंघता है, स्नॉटिंग। यू लाइक टोबैको? बट आंटी का नाम आसी है, आसी, और इनको थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आता है। बायरो इमे, बायरो इमे किंका इमे, किंका इमे, बायरो इमे थैंक यू, थैंक यू, किंका इमे तुमका इमे टू गाजे, टू गाजे, यू आर वेलकम, बिया यू आर वेलकम, ओके ओके। मेरे को बहुत मजा आता है इनके साथ, बहुत ज्यादा, और भाई बहुत ज्यादा स्मार्ट है, और इनका स्किन भी काफी वेरी नाइस, बहुत सॉफ्ट स्किन है भाई। मेरा मेरा स्किन नहीं अच्छा है बट इनका स्किन बहुत सॉफ्ट है। तो यार फादर को ना यहाँ पे इम्बा बोलते हैं, ठीक है, और मैं जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, इनका ये बैठते इस पे चेयर पे, ठीक है, और ये चेयर पे सोते भी हैं। मैंने रात में इनको सोते हुए भी इसी चेयर पे देखा था, सर रखते हुए। एंड इम्बा, इम्बा एंड मामा, ओके सो मामा इम्बा, और मेरी इनसे ज्यादा बातचीत नहीं हुई है। इम्बा मामा इंदू, 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 ओ मामा इज इंदू एंड इम्बा काका, तो मेरा इनसे ज्यादा बातचीत नहीं हुआ है, मेरा मामा से ही बात हुआ है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो सुपर फ्रेंडली और आप देख ही रहे हो कि वो कितनी एक्टिव है, बट ऑब्वियसली ये केयर टेकर हैं फैमिली के, और इनका जो मेन रोल होता है वो खाना प्रोवाइड करने का ही होता है। तो ये लोग, मैंने पता किया था और मैंने पूछा भी है लोगों से, तो जब मार्केट में पैसा चाहिए होता है इन लोगों को, क्योंकि पैसा तो चाहिए ही है ना, तो ये अपना गोट वोट सेल करने के लिए ट्राइबल मार्केट में जाते हैं, जो लोकल मार्केट होता है वहाँ पर
बेचते हैं और बाकी गांव के जो भी लोग होते हैं वो आके खरीदते हैं। तो अभी अपन मार्केट के तरफ जाएंगे और जाके देखते हैं कि ट्राइबल मार्केट कैसा है। वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में ही होगा। तो भाई अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना।